हेलो, बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप सभी घर पर अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर शुरू किया हुआ है, और जो बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं या शुरू में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए एक बार मैं पुनः याददाश्त के लिए बता दूँ कि इस पहली यूनिट में मेनली मुख्यतः तीन टॉपिक हैं जो कि जिनमें से एक पूरा प्रश्न आ जाता है, और जिसमें पहला जो इसका आर्टिकल था जो आपको पढ़ाया था, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर ग्रेड 5 का व्यंजक बताया था, कराया था डेरिवेशन। और दूसरा जो व्यंजक है ये इसमें डाइवर्जेंस का है, जो आपको कल बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है किसी सदिश का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले आप इसको जान पाएं, इसकी परिभाषा को जान पाएं, इसकी भूमिका को अपन बनाएं कि किसी सदिश क्षेत्र ए का कर्ल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस तल पर आप बैठे हुए हैं, उस तल पर आप जैसे कार्टेशियन में बात करें, आप एक्स वाई तल पर बैठे हुए हैं, तो एक्स वाई तल की चार किनारे हैं, चार बाउंड्री हैं, लंबाई चौड़ाई आयताकार है। तो इन चारों जो इसकी जो भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं पर आप क्या निकालेंगे, पहले रेखीय समाकलन। सदिश क्षेत्र ए का जिस तल पर आप बैठे हुए हैं उस तल की जो चार भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन सदिश ए का। क्योंकि आप जिस तल में बैठे हुए हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, माना वहां पर सदिश क्षेत्र ए व्याप्त है, वितरित है। अब चूंकि आप एक्स वाई तल में बैठे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्टेशियन में एक बार बात कर लें, जिससे उससे समझने में थोड़ी आसानी रहती है आप सभी को, क्योंकि आपने बचपन से वही पढ़ा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड वाला। तो एक्स वाई तल में आप बैठे हुए हैं, इस समय जो कर्ल की जो वैल्यू आएगी वो जेड, उसका जो घटक आएगा वो जेड घटक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जेड घटक के लंबवत तल पर आप बैठे हुए हैं, और रेखीय समाकलन का अधिकतम जो मान आएगा वो तभी आएगा इस तल पर जिस पर आप बैठे हुए हैं, जब वह जेड अक्ष की लंबवत दिशा में होगा। क्लियर? तो इस समय अपन जो मान निकालने जा रहे हैं, अपन अब लौट के आ रहे हैं अपने जो अपना जो पढ़ाई है उस पर लौट के आ रहे हैं। अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है कि कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम में माना कि जिस तल पर आप बैठे हुए हैं वह U1 वक्र रेखा और U2 वक्र रेखा वाला तल है जिस पर आप बैठे हुए हैं। U3 वक्र रेखा इस तल के लंबवत ऊपर की ओर है। क्लियर? आप किस तल पर बैठे हुए हैं? U1 U2 वाले तल पर, और U1 U2 वाले तल पर आप बैठे हुए हैं, और सदिश क्षेत्र A पर, सदिश क्षेत्र ए इसमें पूरे में व्याप्त है। तो आपको सदिश क्षेत्र ए का कर्ल का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए डॉट डी एल यानी रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन निकाल लेंगे। अब कर्ल की जो परिभाषा है मोटा मोटी रूप में वो क्या होती है, जैसे कल आपको बताया था डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है मोटा मोटी रूप में क्या होती है, परिबद्ध जो पृष्ठ है उनसे पारित नेट फ्लक्स बटे परिबद्ध पृष्ठों का आयतन, मोटा मोटी रूप में। इसी तरीके से कर्ल की परिभाषा क्या है कि तल है, जो लूप है जिस पर आप बैठे हुए हैं, उस लूप से, उस लूप की सभी भुजाओं पर रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ जो है आपके पास, जो लूप है जिस तल पर आप बैठे हुए हैं उसकी भुजाओं पर कुल रेखीय समाकलन बटे इस लूप का क्षेत्रफल। यानी ऊपर तो क्या आएगा, रेखीय समाकलन, बटे में क्या आएगा, लूप का क्षेत्रफल। डाइवर्जेंस में क्या आता है,
परिबद्ध फ्लक्स आता है ऊपर, पारित फ्लक्स आता है, और नीचे क्या आता है, संपूर्ण प्रश्नों का आयतन। तो यहां क्या होता है, ऊपर एक ही समाकलन आएगा और नीचे क्या आएगा, क्षेत्रफल ds। यानी इसको जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इसकी, यानी ये चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसकी जो परिभाषा लिखी है मैंने मोटी मोटी, आप देख पा रहे हैं, कर्ल ए बराबर, आप देख रहे हैं इसको, कर्ल ए बराबर लिमिट ds टेंडिंग टू जीरो ए डॉट dl अपॉन ds। ds इज व्हाट, ds इज द सरफेस एरिया, यानी उसका क्षेत्रफल लूप का, बंद लूप का क्षेत्रफल। ए डॉट dl क्या है, रेखीय समाकलन। लिमिट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा लूप बहुत छोटा सा है, अल्पांश है, इसलिए इसमें क्या लगाया है। अब कर्ल ए का ये जो घटक होगा ये इस तल के अविलंबत होगा, जैसे मैंने अभी आपको बात की थी, तो मैक्सिमम मान होता है ये ए डॉट डी एल बटे डी एस का मैक्स जो मान आएगा, जो मान निकालेंगे वो मैक्स जो मान आएगा वो कौन सा घटक कहलाएगा, कर्ल ए का तल की लंबवत घटक कहलाएगा, जो अपन ज्ञात करेंगे। तो कर्ल ए का जड़ घटक इस समय निकालने जा रहे हैं। मैं आपका पूरा ध्यान इस चित्र पर फोकस करना चाहूंगा, जो चित्र आपने लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसमें चित्र में, आप देख रहे हैं ऊपर U3 एक्सिस है, नीचे वाले तल जिस पर आप बैठे हुए हैं वो U1 U2 वाला है, और जहां पर तीनों वक्र मिलते हैं वो O है, यानी U3 ऊपर की ओर लंबवत है और U1 U2 कहां पर है, U3 लंबवत है और U1 U2 जो आप देख रहे हैं यहां पर वो कहां पर है, तल में है जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो O बिंदु मूल बिंदु है इनका, आप देख पा रहे हैं U1 वक्र रेखा, U2 वक्र रेखा, इसमें एक लूप लेते हैं, तो लूप लिया हुआ है O L M N, एक लूप लिया हुआ है, उस लूप को आप इसमें देख पा रहे हैं। तो अपन इस लूप को जो लिया हुआ है O से अपन आगे बढ़ रहे हैं यहां पर, O से M, ठीक है, O से पहले U1 वक्र रेखा पर पढ़ेंगे, तो U1 वक्र रेखा पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो पहले OL जो दिशा है उस पर आप आएंगे, OL जो दिशा है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, OL दिशा पर इसका जो मान है वो कितना है, जैसे OL की लंबाई क्या होगी आप बताएंगे, H1 D1, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि U1 दिशा में जो लंबाई होती है वो क्या होती है, H1 D1, ये लंबाई हो गई। अब आप देख रहे हैं इसके बाद जो देख पा रहे हैं कि L से M की तरफ जाएंगे, फिर M टू N जाएंगे, फिर N टू O जाएंगे, यानी O से L, L से M, M से N और N से O, इस तरीके से अपन इसमें पूरे उत्तर रेखीय समाकलन का मान निकालने जा रहे हैं, क्लियर। अब सबसे पहले अपन लेते हैं युवा वक्त रेखा पर जो O L, O टू L की दिशा में चल रहे हैं, O टू L, O टू L की दिशा में चलेंगे, तो युवा अक्ष पर O L वाली वक्त रेखा पर जो सदिश क्षेत्र का मान है वो कितना, माना A1 है। अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, रेखीय समाकलन का मान, सभी ध्यान से समझते जाएंगे, अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, रेखीय समाकलन का मान। और रेखीय समाकलन का मान आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रेखीय समाकलन का मान आप ये O से L पर ये देख रहे हैं, O से L पर आप जाएंगे, O से L पर A डॉट dl का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा, A1 और dl क्या हो गया, H1 D1, A का मान कितना, A1, O से L पर जाएंगे U1 वक्र रेखा पर, और dl का मान कितना हो जाएगा, H1 D1, क्लियर। अब ये तो हो गया, अब इसके समांतर जो रेखा है, यानी इस तल के जो समांतर जो रेखा है उसकी अपन पहले बात कर लेते हैं। इसके जो समांतर रेखा है जो आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये जो रेखा है ये इसके समांतर रेखा है, और इस रेखा पर इसका मान अपन निकाल लेंगे पहले। इसके बाद जैसे यहां पर इसका मान कितना है, H1 A1 H1 D1 हो गया रेखीय समाकलन का मान, तो ये रेखीय समाकलन का मान इस भुजा पर कितना है, जो आमने सामने की उसको पहले निकाल लेते हैं। अब ये जो भुजा है आपको दिख रही है, ये जो भुजा है, ये भुजा इस वाली जो भुजा से जो दूरी है इसकी वो कितनी है, आप देख रहे हो H1 del U1 या D1 के पदों में है, तो यहां पर
रैखिक समाकलन का मान कितना है, ए वन एच वन डी वन, तो इतनी दूरी जाने में कितना हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो यहाँ पर रैखिक समाकलन का मान ए वन एच वन डी वन है, वो यहाँ तो होगा ही होगा इस भुजा पर, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना परिवर्तन हो जाएगा एक्स्ट्रा, वो अपन देखना चाहते हैं। यहाँ से इतनी दूरी आएंगे तो इस पर कितना होगा, एक चीज ये होगी, एक चीज आप देख रहे हैं ओ से अपन आ रहे हैं तो ये दिशा है इसके एरो की, और यहाँ से ये जा रहे हैं तो इसके एरो की जो दिशा है इसके विपरीत है। इस बात को भी अपन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखेंगे। तो जो चीज आप देख पा रहे हैं इस समय, वो ये देख पा रहे हैं कि ये चीज देख पा रहे हैं कि ये जो मान है, ये ए वन एच वन डी वन तो है ही है, ये अतिरिक्त जो मान आया है, ये अतिरिक्त जो मान आ रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अतिरिक्त मान का एडिशन जो आप देख रहे हैं दूरी की जाने में परिवर्तन हुआ, वो अपन अलग से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रफ काम की तरह होता है ये, और रफ काम में मैं आपको पहले भी बताया है कई बार कि रफ काम को हमेशा अपन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रफ काम को अपन कभी कभी समझते हैं कि ये रफ काम तो ऐसे ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम वही हुआ करता है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब आप देख रहे हैं उस चित्र को ध्यान में रखिए, अभी जो बताया था, अब आप देख रहे हैं कि H1 डेल U1 दूरी जाने में, सॉरी H2 डेल U2 दूरी जाने में चेंज कितना, छोटी दूरी जाने में रेखीय समाकलन में जो चेंज होता है वो कितना है, छोटी दूरी जाने में आप देख पा रहे हैं, छोटी दूरी जाने में रेखीय समाकलन में जो परिवर्तन होगा वो माना छोटा है, छोटे को किससे लिखते हैं, डेल वाले सिंबल से लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर H2 डेल U2 छोटी दूरी है, H2 डेल U2 दूरी जाने में रेखीय समाकलन A1 H1 D1 में माना छोटा सा परिवर्तन होता है, वो कितना हो गया, डेल A1 H1 D1, ये आप देख पा रहे हैं छोटा सा परिवर्तन है। तो ये जो छोटा सा जो परिवर्तन यहां लिखा गया है, ये वाला, ये छोटी दूरी जाने में छोटा परिवर्तन, एकांक दूरी जाने में कितना परिवर्तन, ये लिखा हुआ है, एकांक दूरी जाने में कितना परिवर्तन हुआ आप देख पा रहे हैं यहां पर, और पूरी दूरी कितनी है अपनी, H2 DU2 दूरी जाने में कितना परिवर्तन हुआ, H2 DU2 का क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया, और H2 से H2 क्या हो गई, कैंसिल हो जाएगा, तो H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना परिवर्तन आया, डेल A1 H1 DU1 ऊपर आ जाएगा बटे डेल U2 और DU2 का क्या हो रहा है उसमें गुणा, तो कुलमान कितना हो गया, आप जरा मेरे साथ साथ बताएंगे आप कुलमान कितना हो गया, कुलमान जो O से L पर जाने में जो रेखीय समाकलन था वो A1 H1 DU1 था, वो तो हो ही होगा उसके सामने वाले फलक पर, उसका जो सामने वाला जो पृष्ठ है MN पर, ये मान तो हुआ ही होगा, साथ में जब H2 DU2 दूरी चले तो कितना परिवर्तन हुआ, आपको पता है कि OL जो फलक था अपना और NM जो फलक है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, H2 DU2 की है कुल दूरी, तो H2 DU2 दूरी जाने में कितना परिवर्तन हुआ, तो आपने कैसे निकाला, छोटी दूरी जाने में छोटा परिवर्तन, एक दूरी जाने में कितना परिवर्तन, तो संपूर्ण दूरी H2 DU2 जाने में कितना परिवर्तन, और सिंपली जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो उस तरीके से आपने इसको निकाला, और जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन को आपने किस में जोड़ दिया, जो मूल मान है इसका A1 H1 और D1 में आपने इसको क्या किया है, जोड़ दिया है। तो ये आपके पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ये रफ काम होकर ये आता है, और मैं जैसे कि आपको अभी बता रहा था कि जो रफ काम है, इन चीज़ को एक बार पुनः देखें अपन कि ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक आने में ये दूरी कितनी है, H2 DU2, तो A1 H1 यहाँ पर है, तो A1 H1 D1 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना हुआ ये आप देख पा रहे हैं इस समीकरण से, ये जो मान हुआ A1 H1 D1 ये तो है ही है, प्लस इतना परिवर्तन हुआ जो अभी अभी निकाला है आपने, और ये पूरा परिवर्तन के आगे चिन्ह लगा हुआ माइनस का, क्योंकि O से L पर जा रहे हैं
वो दिशा देखिए आप, तीर ओ से एल का, जो ओ से एल का जो तीर देखिए आप, ये सॉरी ये वाला तीर देखिए आप, ये वाला और ये तीर देखिए, दोनों तीर कैसे हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पर तो मान धनात्मक है क्योंकि यूवन के अक्ष के धनात्मक अक्ष के सारे सारे जा रहे हैं, और ये वाला मान क्या है, ये वाला मान जो है तो इस दिशा में है, ये वाला मान किस दिशा में, इस दिशा में, दोनों कैसे विपरीत है। इसलिए आप देख पा रहे हो ये जो चिन्ह आया है, ये जो चिन्ह आया वो चिन्ह कैसा आया है, नेगेटिव आया है कि इस दिशा में जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इस वजह पर। अब बात करते हैं अपन कि ये दोनों आमने सामने, ये और ये आमने सामने के रह गए, ये दोनों, इन दोनों पर बात करते हैं। इसमें देख रहे हो आप कि इसमें जो अपन यूं आ रहे हैं, इस तीर पर कैसे आ रहे हैं अपन, यूं आ रहे हैं। जब यूं आ रहे हैं अपन तो क्या हो रहा है कि ये अपना यू टू अक्ष के विपरीत आ रहे हैं। तो इस पर एक इस मार्ग का मान कितना होगा, इस भुजा पर, इस पर ए टू एच टू डी टू तो होगा ही होगा, क्योंकि अपन ये तो वही भुजा है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो मान होगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मान है ये रहा, ये एच टू ए टू एच टू डी टू, ये कहां से कहां तक होगा, ये मान जब आप एन से ओ की तरफ जाएंगे, एन से ओ की जो दिशा है, एन से ओ की जो दिशा है जो आप देख पा रहे हैं, वो जो दिशा है वो यू टू अक्ष के विपरीत है। तो इस फलक पर तो मान कितना हो गया, ए टू एच टू डी टू, क्लियर। अब इस भुजा के लंबवत सामने वाला देखिए, ये एल एन एल एम जो भुजा है, एल एम भुजा देखेंगे तो एल एम जो भुजा है, इस एल एम भुजा पर की दिशा तीर विपरीत है। अब पहले सबसे पहले इस पर मान निकालेंगे कि इसका मान कितना आएगा। तो आपको ये अभी अभी मैंने जो साफ साफ बताया था कि इस पर मान कितना होगा, इन दोनों तलों के बीच की दूरी दूरी की किस रूप में है, एच वन डी वन के रूप में है। आप देख रहे हैं एच वन डी वन के रूप में दूरी है, और एच वन डी वन जब, तो इस वाले पर ए डॉट डी एल का मान कितना होगा, तो वहां पर कितना था, ए टू एच टू डी टू, ये तो होगा ही होगा, प्लस इसमें कितना परिवर्तन होगा, छोटी दूरी जाने में छोटा परिवर्तन, एक अंक दूरी जाने में एक अंक परिवर्तन, और उसके बाद पूरी जो दूरी है वो क्या, एच वन डी वन दूरी जाने में कितना परिवर्तन। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एच वन डी वन दूरी जाने में कितना परिवर्तन हुआ, ये देखें आप यहाँ पर वो ये चीज देख पा रहे हैं आप। ये मूल मान तो है ही है, जो मान एन ओ भुजा पे था ऊपर वाला वो तो है ही है, साथ में दूरी इतना परिवर्तन हुआ, और ये चिन्ह क्या माइनस, और यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, और इस पूरे के आगे भी होल माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, तीर की विपरीत है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये मैंने लगा रखा है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देख रहे हैं तो इन चारों भुजाओं पर, लूप की चारों भुजाओं पर आपने रेखीय समाकलन के मान निकाल लिए, यानी सबसे पहले आपने जो निकाला वो ओ टू एल निकाल लिया, फिर आपने एल टू एम निकाल लिया, फिर आपने एम टू एन निकाल लिया, फिर आपने एन टू ओ निकाल लिया, चारों भुजा यानी चारों भुजाओं पर आपने ये वाला मान निकाल लिया। अब संपूर्ण मान कितना हो गया, अब आप देख रहे हो संपूर्ण मान को आप क्या कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे आप। आपने क्या किया है, ये ए डॉट डी एल को मान को ऐसे लिखा घटकों में, जैसे अपने को पता है पहले से ही। अब इसमें सारे मानों को आज जब जोड़ेंगे चारों घटकों को, तो आपको जो फाइनल जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो मान होगा ये इसका फाइनल मान होगा जो आप देख रहे हैं। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी आपको ये बताया था यहाँ पर कि ये जो मान है, ये देखें आप यहाँ पर ए वन एच वन है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ए वन एच वन डी वन ये नेगेटिव में आएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ देख रहे पा रहे होंगे ये ए टू एच टू ये नेगेटिव है, और ये कैसा पॉजिटिव है, ये यानी दोनों के प्रथम प्रथम पद सभी के कट जाएंगे, और ये चीज बचेगी। इसमें ये वाला पद माइनस में आ रहा है, ये वाला पद किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, क्यों ये पहले लिखेंगे, ये वाला कहाँ लिखेंगे बाद में। और लिखने के बाद आप जो देखोगे कि ये जो पद है आपके सामने, ये वाला पद ये आ गए दोनों, यानी ये फाइनल जो आ गया आपने पास वो ये आ गया। तो ये क्या आ गया आपने पास, ये कर्ल ए का तीसरा घटक निकाला आपने, कर्ल ए इसको बोल रहे हैं अपन, कर्ल ए डॉट डी एल का मान आ गया। अब कर्ल ए की जो परिभाषा है उस परिभाषा में इसका मान रख देंगे,
यानी ऊपर क्या आ गया कुल फ्लक्स ए डॉट डी एल, नीचे क्या आ जाएगा इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है इस लूप का एच वन डी वन इसकी लंबाई है और एस डी टू क्या है उसकी चौड़ाई है, दोनों का क्या कर दिया आपने, दोनों को आपने इस तरीके से भाग लगा दिया। तो क्या हुआ है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डी यू वन डी यू टू दोनों तरफ से क्या ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए और क्या बचा आपके पास, कैंसिल हो गए ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपके पास ये बचा है कर्ल ए का जेड घटक आ गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे तो कर्ल ए का पहला घटक आ जाएगा और इसी तरीके से आप निकालेंगे तो कर्ल ए का कौन सा घटक आ जाएगा, ये इसका पहले तीसरा आया फिर पहला तीन कौन सा घटक आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, तीनों बस एक घटक निकालेंगे, बाकी जो दोनों घटक हैं उन दोनों घटकों को आपको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी वे में इसी प्रकार उनको लिख सकते हैं। तो कर्ल ए का तीसरा घटक आपने निकाला तो दोनों घटक आपने कैसे लिख दिए, उसके अनुरूप लिख दोगे आप इसमें, और अनुरूप लिखने में एक समानता है जो आप देख पा रहे हो कि कर्ल ए का जब आपने तीसरा घटक निकाला जब इस पर ध्यान दोगे तो ये क्या है, यहाँ एच वन एच टू आया, तीसरे घटक में क्या है एच वन एच टू, तो इस वाले घटक में क्या आएगा जो वन वाले में क्या आएगा यहाँ पर एच टू एच थ्री आ जाएगा, इस वाले घटक में इस वाले ये जो घटक है लास्ट वाला जो एच टू है इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर एच वन और एच थ्री आ जाएगा। इसी तरीके से सिमेट्रिकली आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो देखोगे तो सिमेट्रिकली आप तीनों जो समीकरण है आप जो देख पा रहे हैं इन तीनों समीकरणों में आप एक रूपता देखोगे, एक प्राप्त कर लोगे, तीनों को आप गणित के हिसाब से उसी के अनुरूप एनालॉगस तीनों को क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हैं। अब ये तो कर्ल, अब तो संपूर्ण कर्ल क्या होगा अब देख पा रहे हैं, ये संपूर्ण कर्ल का मान लिख रहे हो आप, कर्ल ए बराबर क्या होगा जैसे आई जे के फॉर्म में लिखते हो आप जो घटक लिखते हैं अपन आई जे के साथ में घटक आता है, वैसे घटक क्या आएगा यहाँ पर ई वन कैप कर्ल ए का पहला घटक, ई टू कैप कर्ल ए का दूसरा घटक, ई थ्री कैप कर्ल ए का तीसरा घटक, ई वन ई टू ई थ्री जैसे आई जे के होते हैं वैसे आई जे आई सदिश जे सदिश के सदिश होते हैं वैसे ये हैं, मैं लाल अक्षरों से लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आप जो कर्ल ए के इक्वेशन आए हैं ये वाले तीनों, जैसे ये कर्ल ए का पहला घटक, ये दूसरा घटक, ये कर्ल ए का जो तीसरा घटक आए हैं ये दोनों, इन तीनों घटकों को अपन कहाँ रखने जा रहे हैं, इस सूत्र में रखने जा रहे हैं, ये जो आपने प्राप्त हुआ है जब इन तीनों को यहाँ रख दोगे तो आपने देख जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ रखा हुआ है ये एक एक कर ये जो घटक है ये पहला ये दूसरा घटक आ गया और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इस तरीके से ये तीसरा घटक जो मान आए हैं वो यहाँ लिख दिए आप, क्लियर, यहां तक आपने तीनों घटक लिख दिए। अब इस तीनों समीकरणों को यानी ये जो आपके अब पूरा जो कर्ल ए का ये जो मान आया है यानी कर्ल ए का ये जो मान आया आपके पास पूरा इस कर्ल ए के पूरे मान को यहाँ तक जो मान है आपका इस पूरे मान को आप एक सारणिक के तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे आप सारणिक के पदों में आप इसे कैसे लिखते, बहुत शॉर्ट में जो याद रखने लायक होता है जो मेमोरेबल होता है जिसको आप याद भी रखना है आपको और इस तरीके से इन शॉर्ट आप ऐसे इसको लिख पा रहे हैं कि कर्ल ए बराबर तीनों में एक बटा एच वन एच टू एच थ्री कॉमन है या ये जो कॉमन है ये आपने ये लिख दिया और ये लिखने के बाद फिर आपने जो जो मान आए अपने वो लिख दिए तो इस तरीके से आप क्या देखोगे कि ऐसी एक फॉर्म आपको दिखाई देगी। देख पा ऊपर क्या है एच वन ई वन कैप एच टू ई टू कैप एच थ्री ई थ्री कैप देख पा रहे हैं, फिर क्या है डेल अपॉन डेल यू वन और डेल यू टू अपॉन डेल अपॉन डेल यू टू डेल अपॉन डेल यू थ्री और फिर क्या है लास्ट में जिसका जो तीसरी जो जो इसका लाइन है पंक्ति है उसमें क्या है ए वन एच वन ए टू एच टू और ए थ्री एच थ्री आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से लास्ट की सारणिक फॉर्म है ये सभी को याद रहती है, इसके द्वारा जैसे आपने तीसरा समीकरण प्राप्त किया है पहला दूसरा जो इसी प्रकार लिखा था अभी मैंने बताया था वो लास्ट में इसके द्वारा ही आप चुपके से वहां पर लिखेंगे
पहले ये आपको ध्यान रहेगी। और इसी प्रकार जो कर्ल ए का पहला घटक और दूसरा घटक जो आप लिखेंगे वो इसके द्वारा ही लिखेंगे वहां पर। तो इस तरीके से हाँ, एक चीज जो और रहेगी थी वो क्या थी यहाँ पर कि जैसे आपने इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, आपने इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए एच1 का गुणा ऊपर किया है और एच1 का गुणा नीचे कर दिया है, ऐसी इसमें एच2 का ऊपर एच3 का नीचे और तीसरे वाले में भी एच3 एच3 का आपने गुणा किया था, तो जिससे कि सिमेट्री हो जाए। सिमेट्री होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से एक वन एक बटा एच1 एच2 एच3 ये कहाँ आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कर्ल ए का एक व्यंजक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो कर्ल ए का यह एक व्यंजक है जो कि सभी को याद रहेगा, और मैं समझता हूँ कि आप घर पर थोड़ा सा सीरियस होकर इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।